रक्षाबंधन का त्यौहार जा चुका है और जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि जन्माष्टमी मनाने का सही मुहूर्त क्या है, सही समय क्या है, और जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण को क्या भोग लगाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक आपको किससे करना चाहिए। सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर 30 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिससे लोगों की किस्मत चमक जाएगी। इसमें रवि योग और स्वार्थ सिद्धि योग एक साथ बन रहे हैं। अगर आप इस योग में यानी कि इस साल आप जन्माष्टमी मनाते हैं तो आपके घर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए ये जन्माष्टमी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। अगर मैं बात करूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 6 सितंबर को शाम के 3:37 से लेकर 7 सितंबर शाम के 4:14 तक आप जन्माष्टमी मना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि जन्माष्टमी 6 तारीख को है या 7 तारीख को, हम जन्माष्टमी कब मनाएं, ऐसा बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जन्माष्टमी 6 सितंबर को शाम के 3:37 से कभी भी आप मना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 6 सितंबर को शाम के 3:37 से जन्माष्टमी लग जाएगी, उसके बाद आप इजिली मना सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। देखिए, ये तो हो गई शुभ मुहूर्त की बात, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का अभिषेक जन्माष्टमी के दिन कैसे करना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का आपको पंचामृत से अभिषेक करना है और उस पंचामृत को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें और आप अपने पूरे घर परिवार में उसको आप बांट सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खुश हों और आपके परिवार को आशीर्वाद दें, तो आप अपने घर में मेवा और मखाने की खीर बना सकते हैं और उसका भोग लड्डू गोपाल को आपको लगाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आपने खीर बनाई है उसमें आप एक तुलसी का पत्ता भी डाल दें, क्योंकि तुलसी का पत्ता डालने से आपकी पूजा पूरी मानी जाती है, जिससे उस पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है, आपको भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या चीज़ें भोग लगानी चाहिए इस जन्माष्टमी के दिन, और ये जन्माष्टमी बाकी जन्माष्टमी से कैसे अलग है। सारी जानकारियाँ मैंने आपको इस वीडियो में दे दी हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।